आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। नवी मुंबई में लगातार विमल गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू तस्करी को लेकर के नवी मुंबई पुलिस विभिन्न ठिकानों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। आज तुरभे MIDC पुलिस स्टेशन को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। MP की एक गाड़ी में गेहूं के नाम पर अवैध गुटखे की तस्करी की जा रही थी। सूत्रों के हवाले से तुरभे पुलिस स्टेशन को सूचना मिलने पर तुरभे थाना प्रभारी रविंद्र दौड़कर के द्वारा टीम गठित कर जाल बिछा करके करीब 10 लाख का गुटखा तस्करी करने वाले दो आरोपी को पकड़ा है। आरोपियों के खिलाफ तुरभे पुलिस स्टेशन में सुसंगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है और आगे की छानबीन पुलिस कर रही है। नमस्कार, मैं परमानंद सिंह, आप देख रहे हैं मैं तुरभे पुलिस स्टेशन के हद में खड़ा हूं और ये MP के ग्वालियर से इसमें करीब करीब 9,50,000 का गुटखा पकड़ा गया है, जो कि सूत्रों से पता चला तुरभे पुलिस स्टेशन को। तो ये गाड़ी पकड़ा गया है, इसमें करीब 9,50,000 का गुटखा है और ये MP से निकला हुआ गाड़ी था। MP07HB9554 है और तुरभा पुलिस स्टेशन इस पर सख्त कार्रवाई की है। कितने गुटखा पकड़ा है पुलिस ने? 23 अप्रैल को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि पावने MIDC जो है, पावने MIDC में एक कंटेनर ट्रक, उसमें गेहूँ के बैग्स हैं और गेहूँ के बैग्स के अंदर महाराष्ट्र शासन ने प्रतिबंधित किया हुआ गुटखा के बैग छुपा के रखे हैं। उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने डिटेक्शन टीम का चयन किया और डिटेक्शन टीम ने जाके वहाँ जाके वो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद वो उसमें निकला गया, उसमें 20 बैग मिली गेहूँ के बैग छोड़ने के बाद 20 बैग मिली। उसमें चेकिंग करने के बाद उसमें प्रतिबंधित जो गुटखा है, गुटखा और सुगंधित तंबाकू उसमें पाए गए। वो कहाँ से लाया और उसमें किसने भेजा, इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली। तो वो ये ग्वालियर से ट्रक भर के आया था और इधर कोपरी गांव में एक पवन गुप्ता नाम का अपराधी है, उसके पास वो दे के आगे बेचने वाले थे। इंफॉर्मेशन के बाद हमने ये जो माल है वो बरामद किया। एक्शन लेने के बाद उसमें 20 गुनी गुटखा मिला है, करीबन 9,50,000 का माल है और गेहूं की गुनी जो है 930 किलो के 950 बैग्स, ऐसे कुल मिला के हमने 36 लाख के ऊपर जो माल है हमने बरामद किया है। इसमें किसने माल भेजा है, किसको माल बेचने वाले थे, ये सब जांच हम कर रहे हैं। और अपराधी लोगों, दो अपराधी को हमने अब तक अरेस्ट किया है, उसमें गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है और उसके साथ एक आदमी था जिसको ये सब जानकारी है, उसको हमने अरेस्ट किया है। 29 अप्रैल तक आरोपी की कस्टडी मिली है माननीय न्यायालय से, आगे की जांच हम कर रहे हैं। सर, जो आपने टीम गठित किया था उसमें से कौन कौन नाम है क्या? हमने जो टीम गठित किया था उसमें API वसीम शेख है, API नीलेश येवले है और सचिन पाटिल चौधरी, सब हमारी टीम थी डिटेक्शन की। तो पुलिस को सर इस बात की जानकारी कब मिला? हमें सुबह जानकारी मिला कि करीबन 10 से 10:15 बजे हमको इंफॉर्मेशन मिली और गाड़ी टाइम दिया था, उस हिसाब से हमने वहाँ ट्रैक लगाया और गाड़ी आई। आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।